पठान मूवी की ट्रेलर बुर्ज खलीफा में रिलीज के बाद इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है कि इस मूवी का इंतजार अब बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसे टॉकीज में लगने का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ राजामौली फिल्म RR की सफलताओं का एंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर को लेकर के दुनिया में छाए हुए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको बता दो कि शाहरुख खान बीते दिनों अपने फिल्म के प्रमोशन करने के लिए दुबई गए थे, जहां उन्होंने अपने फिल्म पठान की ट्रेलर को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में दिखाया। यहां शाहरुख को देखने के लिए वहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हो गए थे। आपको बता दें कि ओवरसीज में पठान मूवी की टिकटें एडवांस बुकिंग होना शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। इस फिल्म का आने का इंतजार आम जनता से लेकर के बड़े बड़े सुपरस्टार कर रहे हैं। पठान मूवी ट्रेलर रिलीज होने के बाद खुद राजामौली इस फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजामौली सर ने खुद ट्वीट करते हुए कहा था कि यह मूवी का ट्रेलर बहुत ही फेबुलस है, किंग 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहा है। SRK सर आपको बहुत प्यार। साथ ही उन्होंने पठान की पूरी टीम को बधाई दी। बुर्ज खलीफा में पठान मूवी ट्रेलर रिलीज के बाद इस फिल्म का क्रेज काफी लोगों में बढ़ गया है। वेल दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।